हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम टू स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टेट हॉस्पिटल में हैं। ये हमारा टू स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टेट हॉस्पिटल है। आइए हम देखते हैं, अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं हॉस्पिटल्स का पूरा व्यू। बच्चों के साथ हमारा कुछ क्लिनिकल पार्ट, देखते हैं बच्चे कैसे क्लिनिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। आइए सामने कुछ स्टूडेंट हैं, तो चलिए मिलते हैं कुछ स्टूडेंट से। हेलो, व्हाट्स योर नेम? गिरधर। गिरधर, आप कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं? मैं फिफ्थ ईयर का स्टूडेंट हूं। फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप यहां पे क्लिनिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं? जी बिल्कुल, क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है हमारी, क्लास प्लस हमारी प्रैक्टिस दोनों यहीं पर ही होती है। ओके, तो गिरधर आप मुझे थोड़ा सा दिखा सकते हैं डिपार्टमेंट? बिल्कुल, आइए आप मेरे साथ एक बार। चलिए, तो आप देख रहे हैं हमारा ट्वेल्थ स्टेट हॉस्पिटल, सबसे बड़ा हमारा रीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, विद बिकॉज अवेलेबल यहाँ पर हेलीपैड और सबसे इम्पोर्टेंट नाइन फ्लोर बिल्डिंग और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं एक बहुत बड़े रीजन में यहाँ पर। पहले अगर दिखाऊँ तो पीछे वहाँ पर एक आप देखेंगे वहाँ पर हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स है, एक बहुत ही अलग आइसोलेटेड प्लेस में पीडियाट्रिक बच्चों के लिए, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है और बहुत ही वेल बिल्डेड और वेल फैसिलिटेड है। और सेम हमारे यहाँ पर ये नौ फ्लोर की बिल्डिंग है हमारी, यहाँ पर हर फ्लोर पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमारे। और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे? सबसे पहले हमारा फर्स्ट फ्लोर पे डिपार्टमेंट होता है सर्जिकल डिपार्टमेंट, प्यूरुलेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जहाँ पर डिपार्टमेंट होने के साथ साथ हमारा स्टूडेंट्स के लिए भी एक अलग एक हॉल होता है और एक क्लासेस होती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन वो जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे होता है, लेक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स के, यहाँ पर सारे डिजीजेज और सारे जो भी ऑपरेशंस होते हैं हमें फर्स्ट फ्लोर पे दिखाए जाते हैं जो प्यूरुलेंट डिजीजेज के होते हैं। जैसे मैंने बताया फर्स्ट फ्लोर पे हमारा प्यूरुलेंट सर्जिकल डिपार्टमेंट, सेम नाइन्थ फ्लोर से नीचे हर फ्लोर तक सेम हर अलग अलग डिपार्टमेंट हमारे, फॉर एग्जांपल नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑफ्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट, ENT थेरेपी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्जरी होती है हमारे, प्यूरुलेंट सर्जरी होगी, नॉर्मल सर्जरी होगी, फैकल्टेटिव सर्जरी अलग डिपार्टमेंट, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक जो हॉस्पिटल जिसके लिए रिकॉग्नाइज होता है वो होता है कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी के लिए, जहाँ पर हमारे हमारे फाइनल ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज होती है हमारे यहाँ पर उसके लिए। सेम यहाँ पर हमारे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, नियोनेटल डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मिला के एक बहुत ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाते हैं, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है और बहुत ही अच्छे यहाँ पर फैकल्टी होती है, बहुत ही अच्छे यहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे हाईली क्वालिफाइड होते हैं। यहाँ पर हमारे थर्ड ईयर के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, जिसमें फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर में हमारे को फुल ट्रेनिंग दी जाती है हर डिपार्टमेंट से। आपको फॉर एग्जांपल ऑफ्थेल्मोलॉजी लिए तो डिपार्टमेंट में पेशेंट के साथ साथ क्लासेस भी होती हैं, क्लास ख़त्म प्रैक्टिस भी साइड में, क्लास के साइड में सारे डिपार्टमेंट होते हैं। और आपका टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, टीचर्स पढ़ाने में फुल कोऑपरेट करते हैं, लैंग्वेज बैरियर को जितना हो सके ट्राई करते हैं कि कम से कम हो, बाकी स्टूडेंट्स का भी खुद अपना एफर्ट होता है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, सारे ही कर लेते हैं। और दूसरा, आपको बिल्कुल भी किसी डिपार्टमेंट से ऐसा फील नहीं होगा कि आपको सीखने को नहीं मिल रहा है, सीखने को हर जगह मिलता है, बट डिपेंड करता है स्टूडेंट क्या करना चाहता है। और दूसरा, सेम यहाँ ऑलमोस्ट फाइनल ईयर और फाइनल लास्ट टू ईयर्स यहीं पर ही सारी क्लासेज होती हैं, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक प्लेस है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेक्चर्स, सारे क्लासेस, सारे प्रैक्टिस मोस्टली यहाँ पर होती हैं। गिरधर, जो आपने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे आपने मुझे डिपार्टमेंट्स दिखाए, हॉस्पिटल दिखाए, आप बताएंगे टू स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ कितने हॉस्पिटल एसोसिएटेड हैं? टू स्टेट मेडिकल एकेडमी के साथ हमारा ये सबसे पहला ये टू स्टेट हॉस्पिटल, फर्स्ट सेकंड ऐसे सात और हॉस्पिटल हैं, बट इससे छोटे बट स्टेट हॉस्पिटल जो हम कहते हैं ना, स्टेट हॉस्पिटल हमारे अलग अलग रीजन, यहाँ पर क्या है अलग अलग रीजन्स होते हैं, हर रीजन का एक अपना हॉस्पिटल होता है ताकि पेशेंट्स को एक्सेसिबिलिटी इजी हो पहला, तो इसलिए हर हॉस्पिटल एक नंबर से डिसाइड होता है, जैसे हॉस्पिटल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सेम ऐसे मैटरनिटी हॉस्पिटल्स होते हैं अलग, सेम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पांच हैं वो अलग अलग रीजन में अपने। हमारे ये रीजन में एटलीस्ट दो हॉस्पिटल, एक तो क्योंकि ये ओब्लास्ट ये स्टेट हॉस्पिटल और एक हमारा सेवन हॉस्पिटल जो यहाँ से थोड़ी पास में ही है, सेम ऐसे सिक्स हॉस्पिटल, फिफ्थ हॉस्पिटल अलग अलग, और हर हॉस्पिटल में सेम डिपार्टमेंट्स, बट कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कुछ
वेल क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की वजह से बहुत ही जाने जाते हैं। जैसे हमारे सिक्स हॉस्पिटल सर्जरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ऑन्कोलॉजी के लिए, रेडियोलॉजी के लिए बहुत बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, जहाँ पर सारे टीचर्स वेरी हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, वेरी हाईली जो जिनका लेवल बहुत बहुत ही अच्छा होता है पढ़ाने का। हाँ, ये बात है कि आपको वही सेम बात है कि हर डिपार्टमेंट में अपना अपने अपने सबके एक्सेस होती है, सबके अपने अपने एक एक्सेल करते हैं हर कोई। बाकी ये हमारा एक ओब्लास्ट ने पेरिनेटल सेंटर, जो हमारा पीडियाट्रिक्स के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल। और एक और आपको और भी बात बताता हूँ, तो हर रीजन में अलग अलग पीडियाट्रिक्स बच्चों के लिए भी अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं। वो डिपार्टमेंट कभी भी यहाँ स्टेट हॉस्पिटल में एक साथ नहीं आता। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हुआ, वहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, पीडियाट्रिक्स होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा होता है कि सिर्फ कि बच्चों के लिए अलग हॉस्पिटल्स होते हैं। बिल्कुल अलग, आइसोलेटेड, एकदम आइसोलेशन होता है बच्चों का, ताकि उनको दूसरे पेशेंट के साथ, एक हमारा इन्फेक्शन के लिए भी है, इन्फेक्शन डिजीज के लिए एक अलग बिल्कुल हॉस्पिटल होता है इन्फेक्शन, ताकि उनको भी आइसोलेट करके चैम्बर्स में रखा जाता है। सेम और हमारा ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक है, जो बिल्कुल फार फ्रॉम द सिटी, एकदम एंड में, एकदम सिचुएटेड जंगल में होता है, ताकि पेशेंट्स के लिए वहाँ पर रहना और उनके लिए ऑक्सीजन अच्छी मिले और दूसरों जो पॉपुलेशन उससे वो आइसोलेटेड रहे, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। ट्यूबरक्लोसिस से यहाँ पर बहुत एपिडेमिक था पहले यहाँ पर, और अभी कम हो गया है, और ताकि दूसरे फॉरनर्स को भी ना हो, दूसरे जो फॉरनर्स से आते हैं उनको ना हो, तो उनका फटाफट टेस्ट किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, और देखा जाता है कि भाई उनका है या नहीं है, और जस्ट प्लस होता है तो फाइन यहाँ पर चलता है यहाँ पर। मगर यहाँ पर आपको सिटी में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कि ट्यूबरक्लोसिस लेके पेशेंट को मरा हो, उनको वहीं एडमिट किया जाता है।